मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्हास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। आप देख रहे हैं मेरा उल्हास। मेरा उल्हास यानी हमारा शहर उल्हासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्हास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। हर साल की तरह इस बार भी रोटरी क्लब ऑफ उल्हासनगर मिड टाउन में होली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे जिन्होंने संगीत और होली का आनंद उठाया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। उल्हासनगर के सभी शहरवासियों की होली की शुभेच्छाएं। होली जो है भाईचारे का त्यौहार है। हम उल्हासनगर के शहरवासियों को मुबारक देंगे और कहेंगे कि होली का जो त्यौहार है भाईचारे से सेलिब्रेट किया जाए, आपस में जो है गुलाल और फूलों की होली खेली जाए, पानी का जो है नुकसान न हो और कलर जो है केमिकल कलर का वापर न हो, ताकि केमिकल कलर और इनसे चेहरे को, शरीर को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो सबसे हमारी विनती है कि भाईचारे के माहौल में, प्यार के माहौल में फूलों के साथ और गुलाल के साथ होली खेली जाए।
अभी हम लोग सब जमा हुए हैं रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर मिड टाउन के रोटरी पार्क में, जो गोल मैदान पे गिना जाता है और फेमस प्लेस है। यहाँ पे हम लोगों ने मिड टाउन सीनियर सिटीजन क्लब ने आज होली का प्रोग्राम धमाल प्रोग्राम मनाया। होली 12th को है, लेकिन हर बरस हम लोग एक दो दिन पहले ही मनाते हैं। और आज करीबन 125 मेंबर प्रेजेंट थे जिन्होंने होली का प्रोग्राम इंजॉय किया। उसमें अपने साथ बहुत से लीडर लोग भी थे। श्रीचंद साबलानी थे, मिस्टर रमेश लाल तनिया, मिस्टर कुमार आयलानी, सुखराम आणी, मिस्टर रमेश आहूजा, जीवन इदनानी और मिस्टर पी एस आहूजा थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ उनको जो यहाँ आए, और मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ मिस्टर भीषम आहूजा का जो आज हमसे उनकी मुलाकात हुई है और आज ही हमारी क्लब में मेंबर हो रहे हैं। आज उनका मैरिज का एनिवर्सरी भी है, मैं उनका शादी का सालगिरह का भी बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मालिक उनको अच्छी सेहत देवे, बढ़ते रहे, खुश रहे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं मैं उल्लास वालों का, जन संदेश वालों का और के न्यूज़ वालों का जो यहाँ आए, कैप्चर करके आप तक पहुँचाया। प्रेम से बोलिए आयो लाल कयो झूले। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सिंधु यूथ सर्किल में महिला दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं इस विशेष कार्यक्रम की कुछ झलकियां। वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे और ये सोच के हमने सर से परमिशन लेके आगे बढ़े और एक बढ़िया सा प्रोग्राम इस बीच में आ गया। और इस बीच 8 महीने में हम लोगों ने एक और विंग के लिए भी तैयारी की है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को लिया है। ये स्टूडेंट्स विंग वी कैन से सिंधी के भाई आइंदे जा अबन करके उनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट विंग स्टार्ट की है। तो आज हमें खुशी है कि वुमेन्स इंटरनेशनल डे के दिन हमारे सिंधु सर्किल में वुमेन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिखाया है। मैं उनको पहला तो बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिखाया है। और हमें आशा है कि यह जो कारवां है वुमेन्स का आगे बढ़ता रहेगा, बिकॉज देर विल बी नो प्रोग्रेस इफ देर इज अ हाफ विल बी रिमेन एब्सेंट। सो नाउ हाफ एंड हाफ बिकम्स फुल। सो आई होप दैट आवर कंट्री विल प्रोग्रेस व्हेन वुमेन विल बी विथ अस। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी उपस्थित लेडीज़ को वुमेन्स डे की बधाइयाँ देना चाहूँगी। बहुत लख लख बधाइयाँ आप सबको। सबसे पहले वुमेन्स विंग से पहले मैं मिस्टर सुंदर की एनर्जी लेवल से बहुत ही इम्प्रेस हूँ। ये सब करने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन है जो उन्होंने ये सब मिसेज मोना को, मिसेज जया को और इस एसोसिएशन को बनाया है। और उसमें आज के दिन वुमेन्स डे पे एज ए डॉक्टर मैं सभी लेडीज़ को सिर्फ आज के दिन नहीं 365 डेज रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों का, अपना, अपने सीनियर्स का हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपना फैमिली को देख सकते हैं, आप अपना सोसाइटी को देख सकते हैं, बिकॉज़ आप सभी इस सोसाइटी की बैकबोन हैं। और सिर्फ घर में नहीं, हमको बाहर भी, वो मेडिकल हो या एज ए टीचर हो या एज ए पॉलिटिक्स हो, हमारे पास सभी तरह के लोग हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपना हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। थैंक यू। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में SST कॉलेज में ओम हीलिंग एंड रेकी लर्निंग सेंटर की तरफ से वुमेन डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने मेल एंड फीमेल एनर्जी का मर्जर महसूस किया, उसका अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव को हमारे चैनल के साथ शेयर भी किया।
नमः शिवाय। मेरा मुझे ये रेकी ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट होते हैं उसके मार्क्स और मैं जब से रेकी में ज्वाइन हुई हूँ मैं हमेशा से फर्स्ट रैंक ही आई हूँ अपने कॉलेज में। थैंक यू, नमः शिवाय। मुझे रेकी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रेकी में ध्यान भी लगता है और पावर भी ज़्यादा आती है। थैंक यू। नमः शिवाय। आई रियली थैंक यू सो मच रेकी एनर्जी एंड फर्स्ट थैंक यू सो मच हीना मैम फॉर कमिंग इन माई लाइफ। इतना अच्छा लगता है ना रेकी करते करते, इतना मज़ा आ गया है ना मुझे, और जो कुछ चाहा नहीं वो सब कुछ मिल जाता है मुझे, जस्ट बोला नहीं और मिल गया। थैंक यू सो मच। रेकी करने से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है, मेरी हेल्थ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है और पहले बहुत टेंस में रहती थी वो सब निकल गए। मैंने बहुत खुश हूँ मैं रेकी करके, अंदर से ही एक अलग से खुशी मिलती है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। महिला दिवस पर उल्लासनगर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पैनल क्रमांक 16 के रहवासियों ने यहाँ पर चुनकर आए नए नगर सेवकों का सम्मान किया। यह आयोजन पूज्य पंचायती हॉल में रखा गया था। के उपलक्ष्य में हमारे 25 सेक्शन के पंचायती हाल में हमारे नौ निर्वाचित जो नगर सेवक थे, दीप्ति दूधानी, ज्योति चेनानी, कंचन लुंड और खुद मेरा, यहाँ पे स्वागत रखा गया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 16 नंबर पैनल वालों ने एक ज़्यादा लेडीज़ को चुन के लाया है। उल्लासनगर में रिकॉर्ड है कि चारों टीवी को दिया तो एक उसमें एक्स्ट्रा महिला, जो कि आरक्षण नहीं था उसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा महिला दे के पूरे पैनल ने महिला शक्ति को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उसके लिए मैं आज वुमेंस डे के दिन पे पूरे पैनल की सभी लेडीज़ को बधाई देता हूँ और पूरे शहरवासियों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। आज सभी को वुमेंस डे की, पूरे शहरवासियों को, वार्डवासियों को शुभकामनाएं। और आज यहाँ पे 25 सेक्शन पे हमारा स्वागत समारोह रखा गया था। यहाँ पे सब आए थे 25 सेक्शन के, उन्होंने हमको बहुत ही अच्छे से स्वागत किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें अच्छे वोटों से चुना के लाए हैं उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और हमारा परिवार है ये सब और सभी को हैप्पी हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। देश विदेश में भगवान झूलेलाल का नाम सिमरन कराने वाले तथा घर घर में पूजे बैराने साहेब की जोत जलाने वाले बाऊ परसराम मूलचंदानी साहेब का वर्षी महोत्सव प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाना है। इसी कड़ी में बाऊ परसराम झूलेलाल मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। Oh,
सभी चौ झूले लाल 14 तारीख असाजे बाबा जन की वर्सी आने अपलक्ष में अस 8 तारीख का झूलाल मंदिर में भागवत कथा रखाई आई जो असाजे साई जन 5 नंबर में अशोक महाराजन आन जे ढी प्रेम भाव से कथा कर रहा है ऐसो तो कड़ी संगत खुश है ए संगत खुश है इन का कथा का भंडारो पिण वे तो झूलाल मंदिर में भागवत कथा हली रही है रोज शाम जो 6 to 8 ताई सवई अची करे पेंजो जन्म सफलो कयो बुधाई ने खुशी थी थे त झूलेलाल मंदिर में तारीख 8 मार्च का वठी वेंदे 14 मार्च ताई सिंधी में भागवत कथा जेका उल्लासनगर में 5 नंबर में या ग्वालन दरबार में कुछ डी अग में थी सागी सिंधी में भागवत कथा झूलेलाल मंदिर में भावजन आयोजन किया कथाकार आन संत अशोक लाल प्रेम प्रकाशी 5 नंबर आश्रम तक अची कर आनंद वठाइन था तो ही मौको न विजाओ अची करे रोज अज बी पूरा थे बाकी 5 डी तो 14 तारीख इन भोग पवन भाऊ के भाऊ परसराम साहब जन की वर्सी के उपलक्ष्य में यह कथा है तो सजी संगत के कुर्ब भरी कोठा अची करे इन कथा में शामिल थो पैंजो जीवन सफलो कयो। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं वसर शाह दरबार की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में पूज्य बैराने साहब का आयोजन किया गया है। दरबार साहब के गादी सर हाजरा हुजूर दरवेश साईं परमानंद साहब जी पूज्य बैराने साहब की जोत जलाएंगे और प्रिंस साईं कालीराम साहब गीत संगीत की धमाल मचाएंगे। जिन भी प्रेमियों को हरिद्वार के इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेना है वे वीडियो क्लिप में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी सोमवार 13 मार्च के दिन साईं वसर शाह दरबार में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें दरबार के संत संगत के साथ मिलकर होली खेलेंगे। यह कार्यक्रम सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रखा गया है। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है इसलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू कराते हैं किसी न किसी योग शिक्षक या विशेषज्ञ से जो देते हैं आपको स्वस्थ और फिट रहने के कुछ उपयोगी टिप्स। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर राम शतानी स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र से आज बात करेंगे मुद्रा चिकित्सा की। एक बेहतरीन विज्ञान है। ये क्या काम करती है मुद्रा चिकित्सा? हाथों के उंगलियों को जो हाथों की उंगलियां हैं ना इनको विशेष स्थिति में लगाने से उसको मुद्रा कहते हैं। ये क्या काम करती है? जो मानव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है उन तत्वों को बैलेंस करती है।
कभी तत्व कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, तो इंसान बीमार पड़ जाता है। उसको बीमारी को भगाने के लिए ये तत्व को बैलेंस करती है। उसके लिए हाथों को, उंगलियों को विशेष स्थिति में रखना पड़ता है, तो मुद्रा बन जाती है। आज बात करेंगे हम ज्ञान मुद्रा की। बहुत ही बेहतरीन और अनमोल चीज़ है ये ज्ञान मुद्रा। ये अंगूठा और पहली उंगली, ये सिर्फ टच करके रखना है, बन गई ज्ञान मुद्रा। और इसका काम क्या है? एक रामबाण जैसे काम करे। रामबाण कैसा मालूम है? जिसको बोलते हैं एक विशेष चीज़। ये ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन है। ब्रेन की आपको कोई भी समस्या हो, किसको चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, बेचैन रहता है, अपने आप से बात करते रहता है, और याददाश्त भी चली जाती है किसकी, वो याददाश्त तक वापस आ जावे, इतनी बेहतरीन चीज़ कहीं नहीं मिली आपको, जो इतना बढ़िया इलाज वो लगावे, याददाश्त भी आ जाएगी, बात बात में आदमी लोग भूल जाते हैं, वो उनको तो बेहतरीन है, ये बेस्ट इलाज है ये। और इसका दूसरा रामबाण इलाज भी बताऊँ इसके लिए, ये मुद्रा से फ़ायदा क्या है? अनिंद्रा का तकलीफ किसी को भी है, ठीक हो जाएगा। आदमी लोग बिस्तरे पे पड़े करवट बदलते बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं फिर भी नींद नहीं आवे। अभी ये मुद्रा लगाओ तो आपको एकदम नींद फर्स्ट क्लास आ जाएगी, गोलियां तक बंद हो जाएगी। और तीसरा इसका जो फ़ायदा है, हृदय चक्कर से भी इसका संबंध है, हार्ट की तकलीफ जो है, किसको तकलीफ, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करे। बहुत ही बेहतरीन विज्ञान की ये मुद्रा। इसके आगे और बताऊँगा मैं एक खुशखबरी, जो राज की बात है, शिव और शक्ति का मिलाप इसी मुद्रा को दिया हुआ है। शिव और शक्ति का मिलाप इतनी बेहतरीन है। और दूसरी बात है, श्री कृष्ण भगवान जी जब अर्जुन को गीता का पाठ बताते हैं, वो इस मुद्रा में दिखाया गया है। और आगे बताता हूँ बहुत बड़ी बात, कि आज के ज़माने के जितने भी संत महात्मा लोग हैं, वो लोग जो नाम की दीक्षा देते हैं, वो इस मुद्रा में बैठने को बोलते हैं। और यहाँ पे वो स्मरण शक्ति की बात करते हैं, लेकिन मुद्रा ये लगाने को बोलते हैं, सुख आसन में बैठ कर पलथी मार के बैठ के लगाने को बोलते हैं। इस मुद्रा को 15 मिनट से लेकर 45 मिनट या एक घंटे तक भी लगा सकते हैं। अगर कोई इंसान ये मुद्रा को और आगे तक ले जावे, वो समाधि तक जा सकता है। खुश रहे, निरोग रहे मेरा उल्लास। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर बार होली का त्यौहार आने से पूर्व छोटे बच्चे और युवक प्लास्टिक की थैलियों में पानी भरकर और छोटे गुब्बारों में पानी डालकर युवतियों और महिलाओं पर फेंकते हैं, जिससे युवतियों और महिलाओं को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हर बार इस तरह की कुप्रथा जारी रहती है, इस कुप्रथा को रोका जाए, यही हम आपसे विनंती करते हैं, ताकि हमारे शहर की युवतियों और महिलाओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मेरा उल्लास की टीम आप सभी को होली और धूली वंदन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देती है। होली रंगों का त्यौहार है, इसलिए इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। विभिन्न रंगों की तरह विभिन्न जाति समाज के लोग आपस में जुड़कर रहें, एकजुट रहें और एक दूसरे का भला करें, यही हमारी कामना है। होली खेले रघुवीरा यवत में, होली खेले रघुवीरा।
मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में धीरा यावत में होरी घर रघुवीरा, अरे होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा, होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा, अरे होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।